एनपीएल की अगर हम बात करें, कल फाइनली जो है ऑक्शन जो है वो कंप्लीट हुआ और लगभग आप देखें तो 6-7 घंटे जो है ये लंबा पूरा प्रोसेस चला ऑक्शन को लेकर, जहां पर 80 प्लेयर्स पिक करे जाने थे और आखिरकार फाइनली लास्ट तक जाते जाते टोटल 80 प्लेयर्स को यहां पर पिक कर लिया गया। और अगर आप देखें तो उसके बाद जो पूरी स्क्वाड बनती है 8 अलग अलग टीमों की, एक्सक्लूडिंग ओवरसीज प्लेयर्स, ओवरसीज प्लेयर्स को हटाकर और एक जो टैलेंट हंट प्रोग्राम के थ्रू हर टीम में आएंगे उन प्लेयर्स उसे उन 8 प्लेयर्स को हटाकर जो और कंप्लीट 11 प्लेयर्स की जो स्क्वाड यहाँ पर बनती है, जो नेपाल की प्लेयर्स है उनकी आए जो 8 टीमों की स्क्वाड आ चुकी है उसके बारे में क्या आप बताएं। बिल्कुल, अगर हम शुरुआत करें जनकपुर बोल्ट्स, जी हाँ, इस टीम से अगर हम शुरू करें तो इनके मार्की प्लेयर तो ऑब्वियसली आसिफ शेख जो कि ऑलरेडी थे, तो वो है इनके मार्की प्लेयर आसिफ शेख। उसके बाद अनिल कुमार साहब, ललित राजवंशी, अर्निको प्रसाद यादव, रुपेश के सिंह, शुभ कंसाकर, तुल बहादुर थापा, किशोर महातो, शेर मल्ला, हेमंत धामी और आकाश त्रिपाठी। बिल्कुल, तो जयपुर बोल्ट्स की जो आप स्क्वाड देख रहे हैं लगभग जो ऑल नेपाली प्लेयर्स की स्क्वाड है, एक और नेपाली प्लेयर इंक्लूड होंगे और बाकी जो 4 है ओवरसीज प्लेयर्स इंक्लूड होंगे, तब जाकर पूरी 16 की बन जाएगी। लेकिन अभी फिलहाल जो स्क्वाड बन निकल कर हमारे सामने आ रही है वो यही है, जहां पर आसिफ शेख इस टीम के बाकी प्लेयर्स सबसे टॉप पर हमने आपके, उसके बाद यहाँ पर कुछ ऑलरेडी डेब्यूटेंट प्लेयर्स, ऑलरेडी नेशनल टीम में खेले हुए प्लेयर्स भी हैं, अनिल शाह है, ललित राजवंशी है, उसके बाद अगर आप देखें किशोर महातो भी खेल चुके हैं, तो ये कहीं ना कहीं प्लेयर यहाँ पर निकल कर आ जाते हैं। हेमंत धामी भी यहाँ डेब्यू कर चुके हैं मेरे ख्याल से। चलिए उसके बाद है नेक्स्ट टीम की यहाँ पर बात करें तो नेक्स्ट टीम के स्क्वाड क्या बनती है अभी तक की अगर लोग की गौर करें। जरूर, अगली टीम है पोखरा एवेंजर्स, जी हाँ, इन पर नजर डालें तो अब इनके मार्की प्लेयर रहे कुशल पुरतैल, और वहीं पर बाकी प्लेयर में नजर डालें जो खरीदे गए बिडिंग प्रोसेस से, दिनेश खरेल, किरण कुमार थागुना, सागर ढकल, नारायण जोशी, आकाश चंद, अमृत गुरुंग, विपिन खत्री, रित राजदास, दिलीप नाथ और सुनम गौतम, ये जो प्लेयर्स हैं बिडिंग प्रोसेस के तहत पोखरा एवेंजर्स ने बाय किए। बिल्कुल, और इसमें अगर आप देखें तो जो मार्की प्लेयर्स हैं वो कुशल गुर्तर यहाँ पर ऑब्वियसली हो जाते हैं, और आकाश चंद इस टीम में, आकाश चंद जो है जो कि आने वाले वक्त में हमें नेशनल टीम में भी लगातार पेस अटैक नजर आएगा, फ्यूचर में डेफिनेटली यही सब आके लीड करेंगे पेस अटैक को, वो पोखरा एवेंजर्स के लिए यहाँ पर खेलते हुए नजर आएंगे। चलिए हम तीसरी टीम की तरफ यहाँ बढ़ते हैं, अब बात करते हैं विराटनगर किंग्स की। विराटनगर किंग्स के जो स्क्वाड अभी तक निकलकर सामने आई है ऑक्शन के बाद वो कुछ इस तरह की है, संदीप लामिचारी जो कि ऑब्वियसली बात है मार्की प्लेयर है, सुभाष भंडारी, लोकेश बाम, जी हाँ लोकेश बाम जो है काफी पावर हिटर है वो विराटनगर किंग्स के लिए खेलते हुए नजर आएंगे, नरेन भट्ट, प्रतीश जीसी, जी हाँ प्रतीश जीसी विराटनगर के लिए खेलेंगे, उसके बाद बात करें राजेश गुलामी ये भी विराटनगर के लिए खेलेंगे, जितेंद्र कुमार मुखिया, अनिल खरेल, दीपक बोहरा, बशीर अहमद, जी हाँ ये भी विराटनगर के लिए खेलेंगे खेलते हुए नजर आएंगे, और मृणाल गुरुंग, ये अभी तक की स्क्वाड बन अभी तक की जो लुक है स्क्वाड की विराटनगर किंग्स की वो इन प्लेयर्स के साथ सजी हुई है, जैसे आपको बताया एक और टैलेंट हंट प्रोग्राम के थ्रू इंक्लूड होगा और बाकी 4 जो है वो ओवरसीज प्लेयर्स जो है उसमें एड ऑन होंगे, जिसमें की एक अदर एसोसिएट का होना कंपल्सरी है। उसके बाद यार चौथी टीम चितवान रैनोस की बात करें, बिल्कुल इनकी चितवान रैनोस की बात करें तो कुशल मल्ला इनके मार्की प्लेयर्स हैं, और वहीं पर बाकी प्लेयर जो रहे वो रीजन ढकल, उसके बाद विपिन रावल, रंजीत कुमार, संतोष कार्की, दीपेश श्रेष्ठा, गौतम केसी, अमर सिंह रोतेला, दीपक बोहरा, कमल सिंह एरी और शरद वैसवे। बिल्कुल, तो यहाँ पर कुशल मल्ला डेफिनेटली मार्की प्लेयर है, यहाँ पर आप देखेंगे तो शरद वैसवेकर आपको मिलेंगे, कमल सिंह है यहाँ पर एक अच्छे बॉलर है वो चितवान रैनोस के यहाँ पर खेलते हुए नजर आएंगे, और उसके बाद बाकी बॉल बहुत सारे यंग टैलेंट्स भी है, फ्रेश टैलेंट्स भी है जिन पे लगातार नजर रहेगी, डेलग्रेड की भी क्या परफॉर्मेंसेस किस तरह से होती है वो तो खैर एनपीएल के वक्त सब पूरा कवरेज यहाँ पर देने की हम कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन फिलहाल कुशल मल्ला यहाँ पर मार्की प्लेयर्स हैं और शरद वैसवेकर भी इस टीम में इंक्लूड है। उसके बाद आगे बात करें काठमांडू गोरखास की, तो उनकी जो इस वक्त की अब तक की जो स्क्वाड की लुक है वो किस तरह की है ऑक्शन के खत्म होने के बाद। जरूर, काठमांडू गोरखास के मार्की प्लेयर है करण केसी, और उसके बाद प्लेयर्स की बात करें तो दीपेश प्रसाद कंडेल, सुमित महाजन, साहब आलम, जी हाँ शंकर राणा, भीम शारकी, विवेक केसी, प्रतीक श्रेष्ठा, राजू रिजल, राशिद खान और कृष्ण कार। बिल्कुल, राशिद खान काठमांडू गोरखास के लिए कहीं ना कहीं खेलने वाले हैं, जी हाँ नेपाल के जो राशिद खान ऑलराउंडर है, करण केसी उनका मेरे ख्याल से
जो कैनेडा के खिलाफ जो सीरीज थी बहुत अच्छी गई थी, जी जो हाँ यहाँ पर होम में खेली थी इसी साल। खैर उसके बाद करण केसी यहाँ पर जो है मार्की प्लेयर्स हैं, उसके बाद साहब आलम यहाँ पर आपको दिखेंगे, भीम शार्की यहाँ पर इंक्लूड है, बिल्कुल देखना बिल्कुल और बाकी सारे यंग और फ्रेश टैलेंट्स यहाँ पर इंक्लूडेड हो जाएंगे। उसके बाद अगले टीम की यहाँ बात की जाए तो सुदर पश्चिम रॉयल्स की अगर अब तक की स्क्वाड की बात करें ऑक्शन के बाद जो नजर आ रही है वो है दीपेंद्र सिंह एरी, ऑब्वियसली मार्की प्लेयर है वो। उसके बाद भोजराज भट्ट, ये भट्टा अमित भट्टा, अमित श्रेष्ठा, मोहम्मद आरिफ शेख, जी हाँ आरिफ शेख यहाँ खेलते नजर आएंगे, अविनाश बोरा यहाँ पर इस टीम में मौजूद है। उसके बाद खड़क बहादुर बोहरा ये भी इस टीम में है, नरेंद्र सौद, अर्जुन कुमल यहाँ जी हाँ पर पिक ऑन किए गए हैं। खैर अर्जुन कुमल से 50 ओवर्स में बहुत ज्यादा उम्मीद है कि आने बिल्कुल वाले वक्त पे वो लीड करते हुए नजर आएंगे 50 ओवर्स में नेपाल की सीनियर टीम को, लेकिन चलिए 80-20 है यहाँ पर भी, जरूर यहाँ पर करें जी जरूर हाँ उम्मीद करेंगे कि बेहतर बिल्कुल करें बिल्कुल अर्जुन कुमल। उसके बाद ईशान पांडे, विनोद भंडारी और नरेश बुद्धाचार्य, तो ये कहीं ना कहीं सुदर पश्चिम रॉयल्स की जो है स्क्वाड अब तक निकल कर आई है ऑप्शन के बाद, जो अभी तक क्लियरली नजर आ रही है। इसमें 5 प्लेयर्स और इंक्लूड होंगे जैसे, और किस कैसे करके ऑलरेडी हमने आपको बताया। उसके बाद अगली टीम की बात करें, लुम्बिनी लॉयंस की जो स्क्वाड अब तक की लुक निकल कर आया है ऑक्शन के बाद, वो किस तरीके का देखने में लगा है? बिल्कुल। अब बात करें इनकी लुम्बिनी की, तो वहाँ पर रोहित पुड़ैल जो जी है हाँ वो ऑब्वियसली मार्की प्लेयर है। वहीं पर आशुतोष घेरिया, सूर्य तमांग, दिनेश अधिकारी, विवेक यादव, दुर्गेश गुप्ता, जी हाँ जी हाँ ये बहुत अच्छा लगा देखकर कि ये इनको ले लिया गया जी है हाँ या इस पिक कर लिया गया है टीम में। तिलक राज भंडारी, अभिषेक गौतम, संदीप जोरा, अर्जुन साउ, विकास आखरी। बिल्कुल, तो ये कहीं ना कहीं स्क्वाड लंबी लाइन से निकल कर आते हैं। हम रोहित पुड़ैल ऑब्वियसली मार्की प्लेयर्स है, और जैसे यहाँ ने बताया सूर्य तमांग यहाँ पर इंक्लूड है, जी हाँ एक जी अच्छे हाँ स्पिनर है। दुर्गेश उसके गुप्ता बाद है दुर्गेश गुप्ता यहाँ पर है, लेफ्ट आर्म पेसर है, और विवेक यादव यहाँ पर इंक्लूड बिल्कुल है, बिल्कुल। देखते हैं कि कितने कितने लेवल की वो पावर हेटिंग करने में कामयाब यहाँ पर रहते हैं। तिलक राज भंडारी यहाँ पर मेरे ख्याल से संदीप ये लेग सोरा स्पिनर है, तिलक जी राज जी जी भंडारी, जी हाँ हाँ लेग स्पिनर है। तो खैर और जैसे ये हमने सर आपको स्क्वाड बता रहे हैं, इसके बाद हम आपके सामने प्रेजेंट करेंगे कि किनके पास किस किस तरीके के प्लेयर्स हैं, बिल्कुल बिल्कुल ऑलराउंडर्स जी किनके हाँ पास ज्यादा है, बॉलर्स का कोटा किस तरीके का है, किनका पेसर्स का कोटा किस तरीके का है, और वो जो हम कहते हैं ना जो एक पिंच हिटर्स टाइप के होते हैं जो नीचे आकर 20-25 रन मार जरूर सकते हैं, उस जरूर तरीके के प्लेयर्स भी किन किन टीमों के पास कितने हैं, क्या नहीं है, बैटिंग किस तरीके की है, वो सब पर डिस्कशन आगे लगातार जारी रहेगी। लेकिन एक और टीम यहाँ बसती है, बिल्कुल लास्ट टीम बिल्कुल है जी हाँ कर्नाली यॉर्क्स। या कर्नाली यॉर्क्स की अगर स्क्वाड की बात करें ऑक्शन के बाद, जो अभी तक का लुक उनका नजर आ रहा है स्क्वाड का 11 प्लेयर्स का, वो किस तरीके का है बताएंगे? बिल्कुल। कर्नाली आर्क्स के मार्की प्लेयर सोमपाल कामी है जी हाँ। और वहीं पर बात करें उनके बाद जो प्लेयर्स लिए गए, दीपेंद्र रावत, रिद गौतम, दीपक डुमरे, मौसम ढकल, नंदन यादव, भुवन कार्की, उन्नीस विक्रम सिंह ठाकुरी, जी हाँ अर्जुन घरती, देव खनाल, गुलशन कुमार झा। बिल्कुल, तो यहाँ पर है गुलशन झा, जी हाँ कर्नाली यॉर्क्स के लिए कहीं ना कहीं खेलते हुए नजर आएंगे। इसमें अगर आप देखें देव खनन इंक्लूड है, नेशनल प्लेयर्स की हम बात करें सोमपाल कामी यहाँ पर इंक्लूड है, मौसम ढकल यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल इंक्लूड है, और बाकी और जो बाकी है फ्रेश और यंग प्लेयर्स हैं जो डोमेस्टिक से भी कहीं ना कहीं लिए गए हैं, यहाँ पर उन पर भी उम्मीद रहेगी वो भी अच्छा परफॉर्मेंस करें और कहीं जरूर ना कहीं सैनिकों का फायदा उठाएं और सीधा नेशनल टीम में अपनी जगह बनाने की कोशिश करें, क्योंकि ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है एनपीएल, जहाँ पर आप परफॉर्मेंस देकर कम से कम T20 की स्क्वाड में सीनियर टीम बिल्कुल के बिल्कुल जी जगह बना हाँ सकते हैं अगर आपकी कंसिस्टेंट परफॉर्मर यहाँ पर रही है। बाकी टीमों के पास किस तरीके की स्ट्रेंथ है, कौन सी टीम कितनी स्ट्रांग लग रही है, ऑलराउंडर का जो डिपार्टमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वहां पर किसके पास कितने कितने इफेक्टिव ऑलराउंडर्स हैं, बैट्समैन हैं, बॉलर्स हैं, पेसर्स हैं, सब पे बात आगे जरूर लगातार करेंगे एक नेक्स्ट अलग अलग से डेडिकेटेड वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बने चैनल के साथ एनपीएल की सारी कवरेज जी लगातार यहाँ प्रोवाइड करा रहे हैं, बाकी सारी कंप्लीट स्टेट क्रिकेट कवरेज है वो लगातार आपको टाइम टू टाइम यहाँ पर प्रोवाइड कराई जा रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, वीडियो को लाइक जरूर करिए और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर जरूर कर लीजिए।